हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमडी के एजुकेशन पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करेंगे सुपर जीके सीरीज 6। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सारे जीके के क्वेश्चंस कवर करेंगे और लास्ट के दो क्वेश्चंस मैं आपको करंट अफेयर्स के भी कराऊंगा। और ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल एग्जाम पैटर्न के बेसिस पे हैं, बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। और इन क्वेश्चंस के बारे में एक और खासियत है, जो क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ वो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, उसके साथ साथ मैं क्वेश्चंस की बहुत सारी डिटेल्स भी बताता हूँ आपको। इसलिए मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि आप अपने साथ एक नोटबुक लेके बैठा करो और जब भी आपको खाली टाइम हो तभी ये वीडियो देखो, जब आप बिल्कुल फ्री हो। और साथ साथ में अपने नोट्स बनाते चलो, जो मैं पॉइंट्स एक्स्ट्रा बताता हूँ उनको नोट डाउन करते चला करो, ये आपके बहुत काम आएंगे। एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ तो करीब 6-7 पॉइंट्स उसके मैं बता देता हूँ उसके बारे में, तो एक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, आप साथ में एक नोटबुक लेके बैठना। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसके चार ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं, आपको इसका राइट आंसर देना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा वो होगा 22 अप्रैल। 22 अप्रैल यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब सुन लीजिए कि विश्व पृथ्वी दिवस इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि ये पहली बार कब मनाया गया, विश्व पृथ्वी दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो मैं आपको बता दूँ, 1970 में विश्व पृथ्वी दिवस पहली बार मनाया गया। उसके अलावा ये दिवस किस के लिए मनाया जाता है, क्या इसका उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है पर्यावरण की संरक्षण करना, पर्यावरण का संरक्षण करना ये इसका उद्देश्य है। उसके अलावा 193 से अधिक देश फिलहाल इस दिवस को सालाना मनाते हैं, यानी कि ये विश्व भर में 193 से भी ज़्यादा देशों में हर साल मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सेकेंड क्वेश्चन कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी है भारत में? भारत की बात हो रही है, भारत के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी है? इसका जो राइट आंसर होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, वो होगा फातिमा बीवी, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फातिमा बीवी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी। वे फातिमा बीवी पहले क्या थी? फातिमा बीवी पहले पूर्व में राज्यपाल रह चुकी हैं, कौन से राज्य की? तमिलनाडु की। ये आपको याद रखना, तमिलनाडु की राज्यपाल रह चुके हैं ये। और उसके अलावा एक और यहाँ पर आपका कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ मैं कि ये एक सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी है, ना कि मुख्य न्यायाधीश। आज तक भारत की कोई भी महिला सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश नहीं बन पाई है, जबकि हाई कोर्ट की बन चुकी है। एक होता सुप्रीम कोर्ट, एक होता हाई कोर्ट। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट सबका सबसे बड़ा होता है, सुप्रीम होता है। उसके अलावा हाई कोर्ट, हर एक राज्य का अपना एक हाई कोर्ट होता है। तो हाई कोर्ट की तो मुख्य न्यायाधीश महिला बन चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कोई भी अब तक मुख्य न्यायाधीश नहीं बन चुकी है। और पहली, हाँ, न्यायाधीश बन चुकी है लेकिन मुख्य न्यायाधीश नहीं बन चुकी है, पहली मैंने आपको बताया फातिमा बीवी। अब हाई कोर्ट की बात करते हैं, हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लीला सेठ। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, लीला सेठ। चलिए अब आपको इनकी पिक्चर भी दिखा देते हैं जिससे आपको पढ़ने में मज़ा आए और काफ़ी लंबे समय तक आपके दिमाग में सेव रहे ये इन्फॉर्मेशन। तो ये देखिए, लेफ्ट जो लेफ्ट साइड है उसमें फातिमा बीवी दिखाई गई हैं और राइट साइड है उसमें लीला सेठ दिखाई गई हैं। फातिमा बीवी 6 अक्टूबर 1989 को सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी, और ये राइट हैंड कॉर्नर में राइट जो साइड है उसमें लीला सेठ का पिक्चर है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड, मिस्टर क्लीन के नाम से किसे जाना जाता है? तो इनमें से राइट आंसर जो आपका होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि राजीव गांधी। राजीव गांधी को मिस्टर क्लीन के उपनाम से जाना जाता है। अब राजीव गांधी के बारे में जान लीजिए, राजीव गांधी भारत के 7वें PM यानी कि भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे। उसके अलावा उनका जन्म कब हुआ था वो सुन लीजिए आप, राजीव गांधी का जन्म हुआ 20 अगस्त 1944 को इनका जन्म हुआ, और इनकी डेथ कब हुई, 21 मई 1991 में इनकी डेथ हुई। बहुत ही भयानक डेथ थी इनकी, बहुत ही भयानक नज़ारा था वो, एक बम विस्फोट में इनकी डेथ हुई। आपको जगह का नाम पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। इनकी डेथ हुई श्री पेरम्बदूर चेन्नई, चेन्नई में श्री पेरम्बदूर जगह का नाम है, वहाँ पर इनकी डेथ हुई बम विस्फोट में। आपको पता ही होगा, आपने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। तो इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि जो राहुल गांधी मैं बोल गया, राजीव गांधी उनकी पत्नी का क्या नाम है? राजीव गांधी की पत्नी का नाम है सोनिया गांधी, यानी सोनिया गांधी के पति थे राजीव गांधी। उसके अलावा सोनिया गांधी का पहले नाम क्या था, जब इनकी राजीव गांधी से शादी नहीं हुई थी उससे पहले इनका नाम था एंटोनिया माइनो, एंटोनिया माइनो। आप नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ क्वेश्चन कि काली गोपाल कहाँ का प्रसिद्ध
लोक नृत्य या फिर त्यौहार है? काली गोपाल कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य या फिर त्यौहार है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा असम। काली गोपाल जो है वो असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य या फिर त्यौहार है। ठीक है, अब यहाँ पे असम की बात हुई है तो असम के बारे में थोड़ी जानकारी आप ग्रहण कर लीजिए। असम की राजधानी आपको पता ही होगा, असम की राजधानी है दिसपुर। उसके अलावा असम में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? असम का सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी, गुवाहाटी। उसके अलावा असम की राजभाषा क्या है? असम की राजभाषा है असमिया। राजभाषा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली ये एग्जाम्स में आते हैं खासकर एयरफोर्स एंड नेवी में कि हमारे जो राज्य हैं उनकी राजभाषा क्या है। तो राजभाषा इसकी मैंने बता दी आपको, असमिया है। उसके अलावा राज्यपाल कौन है? फिलहाल असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। उसके अलावा असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल। और असम जो है सेवन सिस्टर्स का एक पार्ट है, आपको पता है सेवन सिस्टर्स में सेवन राज्य आते हैं, जो हमारे पूर्व के राज्य हो गए नागालैंड, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और ये मेघालय, और एक और राज्य रहता है सिक्किम। ठीक है, तो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन से पहले ये देख लीजिए, राहुल जो राजीव गांधी हैं ये हैं राहुल गांधी के पिता, राजीव गांधी सोनिया गांधी के पति, ये उनकी आपको फोटो दिखाई है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ऐसी वीडियो डेली पाना चाहते हो तो आप यूट्यूब चैनल जो हमारा है MDK एजुकेशन उसको सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल साथ में प्रेस जरूर कर लेना, ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो, यानी कि कहीं आपसे कोई वीडियो लेट ना पहुंचे आपके पास। अगर आप नोटिफिकेशन बेल दबाओगे तो तुरंत आपको विद इन सेकेंड्स वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और PDF अगर आप यहां से डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको इसकी PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाया करेंगी, कोई भी बड़ी बात नहीं है। सारी की सारी PDF आपको एक साथ टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगी, वहाँ से आप उनको डाउनलोड भी कर सकते हो। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है मृणालिनी साराभाई का संबंध किससे है? निम्न में से मृणालिनी साराभाई का संबंध किससे है? ये चार ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, इनमें से आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए भरतनाट्यम। मृणालिनी साराभाई का संबंध है भरतनाट्यम। अब देख लीजिए, भरतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य है, और ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? यह तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम और मोहिनीअट्टम ये दो काफ़ी कंफ्यूज करने वाले हैं। मोहिनीअट्टम है केरल का, भरतनाट्यम है तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, और कथकली केरल का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। उसके अलावा जो मृणालिनी साराभाई हैं वो दर्शन अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की संस्थापक भी रह चुकी हैं, ये भी आपको क्वेश्चन अपने जहन में बिठा लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिक्स क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड बैंक जिसको IBRD के नाम से भी जाना जाता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि IBRD को क्या वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। ये आपके ऑप्शन क्वेश्चंस में आएगा कि IBRD का दूसरा नाम क्या है या फिर वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम क्या है, तो वहाँ पे आपका ये आंसर हो जाएंगे IBRD। ठीक है, तो अब इसकी स्थापना के बारे में जान लीजिए कि जो वर्ल्ड बैंक है उसकी स्थापना कब हुई, उसका मुख्यालय कहाँ है। सबसे पहले तो मैं आपका मुख्यालय बता देता हूँ, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन DC में, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। अब इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई जून 1944 को वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई। और ये मैंने आपको बताया कि इसका दूसरा नाम IBRD है। अब IBRD की फुल फॉर्म भी आ सकती है, तो IBRD की फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। तो ये देखिए आपके सामने जो ये पिक्चर है, ये मृणालिनी साराभाई की पिक्चर है। तो ये पिक्चर दिखाने का मेरा मेन मकसद आपको यही है कि आपकी जो मेमोरी में ये बात लॉन्ग टर्म तक सेव रहे, यानी कि जो हम देखते हैं विजुअल हमारी मेमोरी है ज़्यादा ज़्यादा इफेक्टिव होती है, हम कोई भी चीज़ सुनने की बजाय देखने से ज़्यादा लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो ये आपको पिक दिखाने का सिर्फ यही उद्देश्य है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेवन्थ क्वेश्चन कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। उसके अलावा डूरंड कप आया है, अब इसके बारे में कुछ डिटेल्स करते हैं, डिटेल्स आपको बताते हैं, तो सुन लीजिए। डूरंड कप भारत में फुटबॉल का सबसे पुराना टूर्नामेंट है, भारत में फुटबॉल का सबसे पुराना टूर्नामेंट है डूरंड कप। ठीक है, और ये कब हुआ था सबसे पहले भारत में टूर्नामेंट? 1888 को हुआ था, 1888 को शिमला में हुआ था। ठीक है, 1888 को शिमला में हुआ। उसके अलावा एक है मोहन बागान, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो मोहन बागान है वो क्या है। मोहन बागान एक फुटबॉल क्लब का नाम है,
कोलकाता में एक भारतीय फुटबॉल क्लब है, मोहन बागान उसका नाम है। ये जो है इसकी क्या खासियत है, ये एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है और इसकी स्थापना हुई थी 1889। 15 अगस्त 1889 को किसकी स्थापना हुई, मोहन बागान की। और मैंने आपको अभी बताया डोरंड कप जो टूर्नामेंट है, सबसे पहले ये टूर्नामेंट कब खेला गया, 1888 में। उसके अलावा जो मोहन बागान फुटबॉल क्लब है वो भारत का राष्ट्रीय क्लब भी कहा जाता है, यानी इसको भारत का राष्ट्रीय क्लब भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। वह एक ऐसा चेक है जिसका बैंक पहले ही नष्ट हो जाने वाला था, यह कथन किसने कहा। तो यह कथन किसने कहा ये आपको बताना है। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सी, यानी ए और बी दोनों, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों ने ये कथन कहा था कि वह एक ऐसा चेक है जिसका बैंक पहले ही नष्ट हो जाने वाला था, ठीक है। तो ये कथन क्या था, क्या था, क्यों उन्होंने ये कथन कहा, इसके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। ये उन्होंने किसके संदर्भ में कहा, क्रिप्स मिशन, क्रिप्स जो प्रस्ताव आया था उसके संदर्भ में इन्होंने कहा। क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था, 1942 में भारत आया था। और कभी क्रिप्स प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था, ये द्वितीय विश्व युद्ध में जो अंग्रेज थे वो अपने भारत का संपूर्ण सहयोग प्राप्त करना चाहते थे, ये उसका उद्देश्य था, ठीक है। और ये ब्रिटिशों द्वारा एक असफल प्रयास था, इसको पूरा नहीं होने दिया हमारे आज़ादी के रखवालों ने। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, आपको इसकी नॉलेज हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th क्वेश्चन, USSD की फुल फॉर्म क्या है। USSD की फुल फॉर्म क्या है, आपने आपको पता होगा जब आप अपने मोबाइल पर कोई भी कोड टाइप करते हो तो उसको बोलते हैं यूएसएसडी कोड। जब आप बैलेंस चेक करते हो तो आप यूएसएसडी कोड से बैलेंस चेक करते हो, तो उसकी फुल फॉर्म है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान की हम राजधानी और मुद्रा के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। तो जो कजाकिस्तान है उसकी राजधानी है अस्ताना, कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना, और इसकी मुद्रा है तेंगे, कजाकिस्तानी तेंगे, ठीक है। अब कजाकिस्तान जो है वो क्षेत्रफल में विश्व में अपना 9वां स्थान रखता है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा में 9वां स्थान रखता है। और ये पहले रशिया का एक हिस्सा था, यानी कि सोवियत संघ का हिस्सा था कजाकिस्तान पहले, ठीक है। ये सारी डिटेल्स आपको इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी याद कर लेनी है, अपने माइंड में फीड कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11th क्वेश्चन, कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा। ये जो दो क्वेश्चन हैं 11th और 12th क्वेश्चन, ये यहाँ पे करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, और मैं डेली की वीडियो में ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जरूर लेता हूँ दो, क्योंकि साथ साथ आपकी करंट अफेयर्स भी कवर होनी चाहिए। उसके अलावा एक करंट अफेयर्स के लिए वीकली वीडियो मैं डाला करूँगा, शुरू करूँगा मैं डालना, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आपको राइट आंसर देना है, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महा ऊंट उत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया है, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा बीकानेर। बीकानेर इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए यहाँ पे दिया गया है, बीकानेर जो इसका सही आंसर है। अब जो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव है इसमें क्या होता है, इसमें ऊँटों के फर की कटाई की जाती है। ऊँटों के फर की बात करें तो यानी कि ऊँटों के बालों की कटाई की जाती है, और उसमें ऊँटों को सजाया जाता है काफ़ी अच्छे तरीके से। ये था इसके बारे में कुछ नॉलेज। अब बीकानेर राजस्थान में पड़ता है, और राजस्थान की बात हुई है तो राजस्थान के बारे में थोड़ी डिटेल्स आप जान लीजिए। राजस्थान के सीएम, अभी राजस्थान में हाल ही में इलेक्शन हुए थे, तो उसके नए सीएम यानी नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। वो बने हैं अशोक गहलोत, अशोक गहलोत राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने हैं। और राजस्थान के गवर्नर कौन है फिलहाल, राजस्थान के फिलहाल गवर्नर हैं कल्याण सिंह। ये आप सभी इन्फॉर्मेशन आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते चला करो, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बन जाती है। क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता जितनी साथ में मैं इसकी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाती है यहाँ से। तो आप साथ साथ में उसको भी नोट डाउन करते चला करो, ठीक है। गवर्नर हैं कल्याण सिंह। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, कि हाल ही में मिसेज इंडिया 2018 का खिताब किसने जीता। हाल ही में मिसेज इंडिया 2018 का खिताब किसने जीता, तो हाल ही में मिसेज इंडिया 2018 खिताब जीता है दिव्या पाटीदार जोशी ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दिव्या पाटीदार जोशी का फोटो आप देख लीजिए, ये हैं दिव्या पाटीदार जोशी, आपको चेहरा यहाँ पे दिख रहा होगा दिव्या पाटीदार जोशी का।
तो ये मैंने आपको बताया कि पिक्चर दिखाने का मेरा मतलब यही है कि आपके माइंड में इन्फॉर्मेशन सेव करना है। जीके का मतलब ये होता है कि याद करना। अब हम कितना इजी मेथड से उसको याद कर सकते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप ईजिएस्ट वे में जीके को याद किया कीजिए, मज़ा लेके पढ़िए बिल्कुल जीके को। और मेरी इस सुपर जीके सीरीज़ का मेन मकसद यही है कि आपको जीके के ऊपर महारत हासिल कराना। सारे क्वेश्चंस वही कराता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आने के लायक होते हैं, प्रीवियस पैटर्न के बेस पे सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो आप बिल्कुल पढ़ने में मज़ा लीजिए और आपको मज़ा आएगा, ये मेरी आपसे प्रॉमिस है आपसे। अब मिसेज इंडिया 2018 प्रतियोगिता पर क्वेश्चन और तरह से भी बन सकता है, कैसे कि मिसेज इंडिया 2018 प्रतियोगिता कहाँ पे हुई, तो ये प्रतियोगिता हुई नई दिल्ली में, ठीक है। अब जो इसमें इन्होंने खिताब जीता है, मिसेज इंडिया 2018 बनी है दिव्या पाटीदार जोशी, ये कहाँ की रहने वाली हैं, ऐसे भी तो क्वेश्चन आ सकता है। तो ये एमपी के रतलाम की रहने वाली हैं, यानी कि मध्य प्रदेश के रतलाम की ये रहने वाली हैं। अब मध्य प्रदेश की बात आई तो मध्य प्रदेश के बारे में भी कुछ बातें जान लीजिए। मध्य प्रदेश में भी आपको पता है कि अभी हाल ही में इलेक्शंस हुए थे और इसके नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, मध्य प्रदेश के बने हैं कमलनाथ। कमलनाथ मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। उसके अलावा मध्य प्रदेश की हाल फिलहाल में गवर्नर कौन है, मध्य प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की गवर्नर हैं। तो ये हमारी आज की वीडियो पूरी हुई फ्रेंड्स। अब मैं आपको कल के होमवर्क के क्वेश्चन की ओर लेकर चलता हूँ। मैंने आपको कल होमवर्क का क्वेश्चन दिया था जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने आप में से उसमें से अब उसमें अपना आंसर दिया, और आपने बिल्कुल सही आंसर दिया और आपने बिल्कुल अच्छी तरह एक्सप्लेन भी किया है। मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका नाम मैं अभी बताऊँगा, तीन स्टूडेंट्स का ही नाम बताऊँगा, बिल्कुल अच्छी तरह से एक एक पॉइंट उन्होंने एक्स्ट्रा भी उसके बारे में लिखा है। और मैं बोलता हूँ आप लिखा जरूर हो, क्योंकि आप जब लिखते हो तो आपके माइंड में वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। लिखने से हमें क्वेश्चन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में सेव हो जाती है। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ये आपके पास चार ऑप्शन दिए गए थे, इनमें से राइट आंसर जो था वो था ऑप्शन बी 25 वर्ष। प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 25 वर्ष। और यहीं पे राष्ट्रपति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के लिए होनी चाहिए 35 वर्ष, ठीक है। और अगर हम मतदान की बात करते हैं तो मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 18 वर्ष, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस याद रखने होते हैं। अब फ्रेंड्स देख लीजिए उन तीन स्टूडेंट्स के नाम जिन्होंने इसका बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो देख लीजिए मोहित कश्यप, मोहित कश्यप ने भी इनका बिल्कुल सही आंसर दिया है। प्रेसिडेंट की जो सॉरी प्राइम मिनिस्टर की जो सबसे न्यूनतम आयु होती है वो होती है 25 ईयर। उसके अलावा इन्होंने क्वेश्चन के बारे में ब्रीफ लिखा है यहाँ पे, प्रेसिडेंट की भी इन्होंने बता दी है न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35, वाइस प्रेसिडेंट की भी इन्होंने बता दी है 30 होनी चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर की तो इन्होंने बताई है, गवर्नर की भी इन्होंने बताई है कि एटलीस्ट 35 ईयर्स इनकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अमिताभ सिंह ने भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, प्राइम मिनिस्टर की इन्होंने बताई, प्रेसिडेंट की इन्होंने बताई, गवर्नर की इन्होंने सही बताई, चीफ मिनिस्टर और लोकसभा और राज्यसभा यानी राज्यसभा का जो मेंबर है उसकी भी आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री बनने के लिए कम से कम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। इन्होंने बिल्कुल एक्सप्लेन से ही यहाँ इन्होंने अपना आंसर दिया है, और मैं आपको बोलता हूँ इन्होंने आज यहाँ आंसर दिया है तो ये ज़िंदगी भर इसको नहीं भूलेंगे, क्योंकि जब हम लिखते हैं ना तो हमारे माइंड में चीज़ें अच्छी तरह से सेव होने लग जाती हैं। लिखने से हम बहुत कुछ याद कर सकते हैं। आप किसी भी चीज़ को याद करना चाहते हो उसको बार बार लिखिए, बार बार लिखिए, आपके दिमाग में वो चीज़ ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी, ठीक है। ये नेक्स्ट है आकाश कुमार, आकाश कुमार जिनका है यहाँ पे फोटो लगा हुआ है आप देख सकते हैं, इन्होंने इसका आंसर बहुत ही अच्छी तरह से दिया है। आप देखिए इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के बारे में बताया, चीफ मिनिस्टर के बारे में, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, इन्होंने कार्यकाल भी बता दिया यहाँ पे, लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 ईयर 5 साल और राज्यसभा का 6 साल, गवर्नर की भी इन्होंने न्यूनतम आयु बताई। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं या फिर न्यायाधीश हैं, उनकी इन्होंने अधिकतम आयु सीमा भी बताई, यानी जब वो रिटायर होते हैं 65 वर्ष, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की 62 वर्ष यानी 62 ईयर्स। और इन्होंने लास्ट में अपना एप्रिसिएशन भी यहाँ पे दिया है कि थैंक्स सर आपका वीडियो बहुत ही अच्छा है। तो आपका ये एप्रिसिएशन है ना मेरे लिए एक ये मान लो कि दवा का काम करता है, दुआ, आपकी ये जो दवा और दुआ हैं ये बहुत रंग लाती हैं, ये मेरे को अंदर से मोटिवेट करती हैं आपके लिए अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने में।
तो अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ तो मेरे को आप अपना फीडबैक जरूर दिया कीजिए। आपका वैल्यूएबल फीडबैक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पे। तो भाई आकाश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अप्रिशिएट किया और आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आपको इससे अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराना मेरी जिम्मेवारी है, मैं आपसे वादा करता हूँ। और आप जितना हो सके ना वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो यार ग्रुप्स में, क्योंकि शेयर करते हो तो हमें लगता है कि हमें यार इतने स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो हमारा भी थोड़ा उत्साह बढ़ता है और आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट लाने का दिल करता है। जो चीज़ अंदर दिल से फील होती है ना वो ऑटोमेटिक नहीं होती है, दिल से कब होगी, जब आप अपना सपोर्ट करोगे, वीडियो को शेयर करोगे ज़्यादा से ज़्यादा। इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो को शेयर किया कीजिए। चलिए अब आज का होमवर्क देते हैं आपको। आज का होमवर्क आप नोट डाउन कर लीजिए, नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बनाए गए हैं, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। हाल ही में नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बनाए गए हैं, या आपके पास ऑप्शन है चार, विजय जोशी, सुधीर भार्गव, अतुल गर्ग और प्रदीप सिन्हा। इनमें से आपको जो राइट आंसर लगता है आप कमेंट करके ऑप्शन में कमेंट कीजिए, और जितना आपको क्वेश्चन के बारे में पता है ना डिटेल में लिखा कीजिए। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, इन स्टूडेंट्स ने लिखा है तो ये कभी इसको भूलेंगे नहीं क्वेश्चन को, ठीक है? तो आप कमेंट सेक्शन में ये लिखिए और अपना फीडबैक भी साथ साथ में देते रहिए। और जो स्टूडेंट्स के, तीन स्टूडेंट्स के नाम मैं यहाँ पे कल शो करूँगा जिनका यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे कल ऐसे ही इसी वीडियो में ऐसी एक और सुपर जीके सीरीज के साथ। और तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर देना फ्रेंड्स। और अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी, ठीक है? तो ओके बाय, शेयर करते रहना अपने दोस्तों से। जय हिंद, जय भारत।